सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज एलटीडी के बारे में। और गाइस, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता जा रहा है और काफ़ी ऊपर के लेवल पे स्टॉक पहुंच गया था, फिर उसमें काफ़ी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है जिसके कारण से स्टॉक गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और भारत की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री भी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, तो देखना होगा आगे इसमें क्या कुछ होता है। तो स्टॉक में आज भी गिरावट ही आई है और क्या कुछ ट्रेड वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, कम्युनिटी सेंटीमेंट के हिसाब से हमें क्या कुछ पता चलता है वो भी हम देखेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। बात करेंगे पहले इसके करंट प्राइस के बारे में, जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 538.25 रुपये के आसपास। और जो स्टॉक में गिरावट आई है वो 11.10 रुपये तक स्टॉक गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर 2.02% की गिरावट के साथ स्टॉक नीचे की आता हुआ आज नज़र आ रहा है। तो आज भी इसमें गिरावट है, बट यहाँ पर देख सकते हो क्लोजिंग इसने अच्छी खासी दे दी है। और वही अगर 5 दिन में भी अगर गाइस देखा जाए तो 5 दिन के टाइम फ्रेम पर ही हम देख लेते हैं तो 38.65 रुपये तक स्टॉक गिर गया है। और साथ ही इसमें आप देख सकते हो 6.17% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और काफ़ी हद तक स्टॉक गिर गया है। और यहाँ पर 600 के पास, 600 पर ट्रेड करने वाला स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नीचे की ओर आता हुआ दिख रहा है। और 5 दिन के टाइम फ्रेम पर, वही अगर 6 महीने के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो आपको स्टॉक ऊपर की ओर ही जाता हुआ दिखेगा। काफ़ी तगड़े रिटर्न दिए थे 200 के प्राइस पर, सिर्फ 6 महीनों में लगभग 196.97% के रिटर्न के साथ ही। और स्टॉक का प्राइस कितना है, कितना रिटर्न दिया है अगर देखा जाए तो 357 रुपये स्टॉक बढ़ा है। आप देख सकते हो अगर आप खरीदे हुआ होता आपने अगर उस टाइम, तो आपको काफ़ी तगड़े रिटर्न यहाँ पर मिल सकते थे। बट अभी स्टॉक में फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ख़रीदने की, तो एक मौका है, तो बिल्कुल आप इसे खरीद सकते हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इससे अच्छा स्टॉक और इससे अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पर गाइस बात करेंगे कहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ था, तो ओपन कहाँ हुआ था आप देख सकते हो 540 रुपये पर ये स्टॉक ओपन हुआ था। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 550 का हाई भी लगाया था, बड़ा था स्टॉक, फिर से ये नीचे की ओर आता चले गया। 532 का लो भी आपको दिख जाएगा। और जो मार्केट कैप है गाइस, मार्केट कैप के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 14.16 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 63.50 का पी रेशियो भी दिखने को मिल रहा है और 0.093 का डिविडेंड भी देता है, तो स्टॉक डिविडेंड भी देता है। और गैस, वही अगर बात करें इसके 52 वीक के हाई की, तो क्या कुछ इसका हाई रहा है, तो गैस यहाँ पर अगर बताऊँ 52 वीक का हाई यहाँ पर 628 रुपये है, 628 का हाई और काफ़ी नीचे तक ये जाता हुआ दिख रहा है गैस, और नीचे जा सकता है तो वेट करना होगा खरीदने के लिए। और वही अगर लो की बात की जाए 52 वीक के लो की, तो 143 रुपये। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हो 143.25 यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से जो स्टॉक बढ़ा है, तो कितना तगड़ा रिटर्न दिया है इसने 6 ही महीनों में गाइस। वही अगर बात करें रेजिस्टेंस लेवल के बारे में, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 560.70 रुपये के आसपास का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और वही सेकंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो 572.18 रुपये के आसपास का है। वही अगर थर्ड रेजिस्टेंस लेवल को अगर देखा जाए तो 579.57 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है। तो गाइस रेजिस्टेंस लेवल भी अच्छे खासे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऊपर की ओर टारगेट्स हैं इनके। और वही अगर बात करें सपोर्ट लेवल की, तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल तो इसने ब्रेक कर दिया है, और फर्स्ट सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो 541.97 पैसे के आसपास है। और वही सेकंड सपोर्ट लेवल भी आप देख सकते हो 534.58 रुपये है। और जो थर्ड सपोर्ट लेवल है, थर्ड सपोर्ट आप देखो 523.17 रुपये के आसपास है। तो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, सपोर्ट लेवल से हमें पता चल जाता है कि स्टॉक में हमें स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पर लगाने हैं, और जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि स्टॉक कितना बढ़ सकता है। तो गाइस प्राइस परफॉर्मेंस, तो क्या कुछ स्टॉक में प्राइस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर देखा जाए एवरेज 1 वीक का प्राइस परफॉर्मेंस अगर देखें तो माइनस में है, -5.73% के आसपास से नीचे की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। 1 मंथ का अगर देखें तो 3.86% के आसपास ऊपर की ओर है, और जो 3 मंथ्स का है तो 102.91% के आसपास है। तो पिछले 3 महीने और 1 महीने में अच्छा खासा प्राइस परफॉर्मेंस था, बट अगर 1 वीक का देखें तो 1 वीक में यहाँ पर माइनस में चले गया, -5.73%, तो ये एक बैड फैक्टर इस पर पड़ सकता है। और वही अगर ट्रेड वैल्यू की बात की जाए गाइस, तो ट्रेड वैल्यू भी कम होती जा रही है डे बाई डे। तो वही अगर पिछले 1 महीने का एवरेज अगर निकाल के हम देख लें, तो पिछले 1 महीने का एवरेज अगर निकाल के देखें तो यहाँ पर 34 लाख के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है,
जो कॉम्बिनेट डिलीवरी है वो 13 लाख के समथिंग की है। तो गाइस वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 वीक का एवरेज अगर हम देखें तो 32 लाख के समथिंग का यहाँ पर ट्रेड वैल्यू है और 12 लाख के समथिंग की यहाँ पर कॉम्बिनेट डिलीवरी है। और अगर एस्ट्रेडे की भी मैं बात करूँ तो एस्ट्रेडे में भी आप देख सकते हो 17 लाख के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है और 7 लाख के समथिंग की कॉम्बिनेट डिलीवरी। वही गाइस आगे बढ़े तो आगे आप देख सकते हो यहाँ पर 14 लाख के समथिंग का यहाँ पर आपको दिख जाएगा ट्रेड वैल्यू और कॉम्बिनेट डिलीवरी भी डिक्लेयर नहीं की गई है, बट आज भी अगर ट्रेड वैल्यू अगर देखी जाए तो काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर डे बाय डे तो ट्रेड वैल्यू में हमें गिरावट ही नज़र आ रही है, बट देखना होगा आगे क्या होता है। और कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से तो वही कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल 87% लोगों का कहना है कि बिल्कुल आप स्टॉक को बाय करो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बाय कॉल है 87% लोगों का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सिर्फ 3% लोग ही कह रहे हैं कि इसे सेल किया जाए। तो गाइस मेरा भी ओपिनियन यही होगा कि जो आप बाय करो स्टॉक को, क्योंकि काफ़ी सस्ते में स्टॉक मिल रहा है तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसे खरीदने के लिए। और वही अगर देखा जाए तो 10% लोग, जो 10% लोग हैं, वो इसे कह रहे हैं होल्ड के लिए। होल्ड कॉल उन्होंने दिया है कि बिल्कुल आप स्टॉक को होल्ड रखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी तगड़ा पैसा बनने वाला है। तो मेरा भी वही ओपिनियन है गाइस। और रेवेन्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यूज़ भी ईयर ऑन ईयर अच्छा ही बढ़ता जा रहा है। 2017 में 1007 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और 2018 में 1269 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 2019 में लगभग 1428 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 2020 में 1358 करोड़ का, और वही 2021 में सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए और ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 1606 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। वही गाइस नेट प्रॉफिट के बारे में अगर देख लें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 2017 से लेके 2018 तक काफ़ी सिमिलर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। 2017 में 70 करोड़ था, 2018 में 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 2019 में 77 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और 2020 में यहाँ पर आप देख सकते हो 78 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है और 2021 में काफ़ी हाई लगा दिया इसने, लगभग 122 करोड़। तो यही से पता चल जाता है कि इसकी स्टॉक में क्या एबिलिटी है ऊपर जाने की, क्योंकि 2017 से 2020 तक तो काफ़ी सिमिलर रहा है। यहाँ पर 80 का भी टारगेट नहीं है, 70 और 80 के बीच में ही यहाँ पर रहा है, बट 2021 में एक ही झटके में 122 करोड़ तक ये चले गया है। तो काफ़ी बड़ी बात है, नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ा उछाल आया है। और होल्डिंग्स की बात की जाए तो गाइस होल्डिंग के बारे में अगर देख बताओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 72.92% की होल्डिंग है यहाँ पर प्रमोटर्स की, और जो पब्लिक होल्डिंग है वो यहाँ पर 18.49% के आसपास की है, और जो DII की होल्डिंग है वो 5.01% है, और जो FII की होल्डिंग है वो है 3.58% के आसपास। तो होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है गाइस। अगर होल्डिंग को ही देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये काफ़ी स्टेबल तरीके से हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा आपको दिख जाएंगी। वही देखते हैं प्रमोटर्स कौन कौन है, तो यहाँ पर रवि गोयना की अगर देखी जाए तो 67.02% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर दिख जाएगी, और जो मनीषा रवि गोयना का है उनकी है 3.85% के समथिंग की होल्डिंग यहाँ पर आपको दिख रही है गाइस। और जो ब्रेडी इन्वेस्टमेंट PVT LTD की 1.78% है, राजीव की बात की जाए तो यहाँ पर 0.18% है, और रवि गोयना की अगर 0.06% है, प्रशांत विजय कुमार सरविंग की अगर HUF की अगर देखी जाए तो 0.02% के आसपास दिखाई दे रही है। वही गाइस अगर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की तो यहाँ पर गोल्डमैन FII की बात करें, गोल्डमैन सच इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1.05% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। और DII की होल्डिंग भी अच्छी खासी दिख जाएगी आपको गाइस। IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड की 2.10% के आसपास की होल्डिंग है, वही कोटक स्मॉल कैप फंड की अगर देखी जाए तो 1.48% के आसपास की होल्डिंग है। और गाइस वही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पब्लिक होल्डिंग में, तो यहाँ पर निशांत कैलाश अग्रवाल की होल्डिंग है 1.96% के समथिंग की, और मलबार इंडिया फंड लिमिटेड की देखी जाए तो 1.16% की होल्डिंग है। अशोक का इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट PLC की देखी जाए तो 1.03% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। और जो यहाँ पर होल्डिंग दिख जाएगी आपको, जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, और जो यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स है, टॉप 4 होल्डिंग्स जो दिख रही है वहाँ पर कोटल स्मॉल कैप फंड की दिख जाएगी, फिर SBI डेब्ट हाइब्रिड की दिख जाएंगी फंड की 0.57%, कोटक की है 1.77% है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है गाइस, लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करना हो कर सकते हो, और काफ़ी सस्ते में मिल रहा है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।